लगाइए, फोर्स लगाइए, प्रेशर डालिए माइंड को। हाँ क्या बताया? अक्रॉस, सॉरी अक्रॉस द यमुना रिवर, है ना? ए ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द यमुना रिवर। वेरी गुड। ही इज आस्किंग डैश अ पेन, ही इज आस्किंग डैश अ पेन, मतलब ये जो इंसान है ये क्या मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है, क्या मांग रहा है, पेन मांग रहा है, मतलब वो जो बोल रहा है वो किस लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, पेन के लिए बोल रहा है, तो फॉर अ पेन, ही इज आस्किंग फॉर अ पेन। क्लियर? यशवंत हैज बीन अनवेल्ड एज सॉर्टेडे। अब ये जो यशवंत नाम का लड़का है या फिर मैन है वो कब से बीमार है? सैटरडे से। कब से बीमार है? सैटरडे से। और आज कौन सा डे है? मान लिया जाए आज मंडे है, मान लिया जाए आज फ्राइडे है, तो सैटरडे से लेकर आज तक वो लगातार बीमार है, लगातार बीमार है। और जब कोई भी काम एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होकर प्रेजेंट में भी चल रहा, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में भी अभी कंटिन्यू है, तब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और माय डियर, उसमें जब एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। अब आप ये बताइए कि ये जो सैटरडे है ये पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर पीरियड ऑफ टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम होता है 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन पार्टिकुलर कोई डेट है, पार्टिकुलर कोई डे है, पार्टिकुलर ईयर है, तो वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और हम यूज करते हैं वहां पे सिंस। क्लियर? ही वेंट टू द विलेज डैश फुट, ये फुट के। अब ये वह अपने विलेज गया, अपने गांव गया, कैसे? अपने पैर से या अपने पैर के द्वारा गया? अपने पैर से गया फिर अपने पैर के द्वारा गया, पैर के द्वारा गया, तो बाय फुट लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑन फुट लिख देते हैं जो गलत है, बात समझ गए? या फिर फ्रॉम फुट भी कर देते हैं। याद रखेंगे ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, जनरली मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे बाय फुट। क्लियर? द डॉग, या द डॉग इज डैश द डोर, मतलब ये जो डॉग है वो कहाँ है? दरवाजा के पास। तो नियर लिखेंगे क्या? नियर, अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ एट नियर ऑफ, तो क्या करेंगे? अब तो आप एग्जैक्ट बात मालूम है नहीं कि मान लिया ये दरवाजा है और यहीं पे डॉग बैठा हुआ है, इसके आगे भी हो सकता है, इसके पीछे भी हो सकता है, तब ये क्वेश्चन का फीलिंग है द डॉग इज डैश डोर, डैश डोर। तो नियर द डोर भी कर सकते हैं और एट द डोर भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। सही। आई रूट दिस लेटर डैश अ पेन, मैंने एक पत्र लिखा, किससे? कलम से। कलम से लिखा या कलम के द्वारा लिखा? आपको याद होगा कलम वाली बात हमने बताई थी, जिसमें कोई थिंग्स का यूज करते हैं या कोई फिर मैन का यूज करते हैं, मतलब पर्सन का यूज करते हैं, यूज ऑफ बाय। आपको याद होगा कि जब किसी पर्सन के द्वारा करते हैं तो बाय करते हैं और जब किसी थिंग्स के द्वारा करते हैं तो विद करते हैं। नहीं याद है तो फिर से वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ क्या लिखिए? आई रोट दिस लेटर विद अ पेन, बाय अ पेन गलत हो जाएगा। कॉर्ड इज मेड ऑफ डैश मिल्क, आपको याद होगा हमने पढ़ाया था यूज ऑफ ये वाला और फ्रॉम वाला, तो उसमें हमने आपको बताया था कि ऐसी वस्तु जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब तैयार करते हैं तो फिर दूसरी वस्तु से पहली वस्तु बना दे तब फ्रॉम यूज करते हैं, अगर नहीं बना दे तो ऑफ यूज करते हैं। मतलब कॉटन सिल्क वाली बात याद है? सिल्क से, सिल्क की शर्ट से, सिल्क के कपड़े से हमने शर्ट बनवाया और उस शर्ट से अगर हम चाहें तो फिर से सिल्क बन सकता है, तो ऐसे कंडीशन में हम फ्रॉम यूज करते हैं। अगर नहीं बन सकता है, जैसे मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क से कर्ड बना सकते हैं कहीं, कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते हैं, तब क्या है? जब मिल्क से कर्ड बना सकते हैं और कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते हैं, तब लिखते हैं ऑफ, और जब बना सकते
यहाँ देखिए द शर्ट इज मेड ऑफ ऑफ कॉटन, कॉटन से हमने शर्ट बनाया और शर्ट से फिर कॉटन बना सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम। बात समझ में आ रही है? ये सारा प्रैक्टिस भी हो गया है, आपके जो बुक में एक्सरसाइजेज होंगे वो एक्सरसाइजेज भी करेंगे। उम्मीद है कि वहाँ कुछ डाउट्स भी होंगे, आपको सारा डाउट्स लिख के रखेंगे, जब कभी टाइम मिलेगा, जब कभी आमने सामने होंगे पूछ लीजिएगा। आई मेक यू श्योर, आई विल मेक यू कॉन्फिडेंट एंड सेटिस्फाइड अबाउट दैट लेटर। ओके, मिलेंगे फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।